आर्गन ऑफ क्वालिटी इज फाउंड इन द आर्गन ऑफ क्वालिटी एक हयरिंग आर्गन है जो कि आडिशन में हेल्प करता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल एयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूड फाउंड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इंटरनल एयर ऑफ रेबिट इज तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट होता है उसको नाम देते हैं एंडोलिम्फ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इंटरनल एयर इज तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है दे हेल्प टू मेंटेन द डायनामिक इक्लेबरियम ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज इंबैलेंस तो जब बॉडी इंबैलेंस होती है तो बॉडी की जो डायनामिक इक्लेबरियम है उसको सेमी सर्कुलर कैनाल्स मेंटेन करती हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैमल्स आर्गन ऑफ क्वार्टी अकर्स इन तो मैमल्स के अंदर आर्गन ऑफ क्वालिटी जो है वो काकलियर कैनाल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हेयरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू आर्गन ऑफ क्वालिटी इज़ कंसर्न विद द सेंस ऑफ तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन टू इट इज़ कंसर्न विद द सेंस ऑफ हेयरिंग क्वेश्चन नंबर सेवनटी थ्री विच स्ट्रक्चर हेल्प अ परसन टू मैंटेन इक्िबरियम तो गिवन ऑप्शन में सेमी सर्कुलर सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो बॉडी की जो इक्लिब्रियम है उसको मैंटेन करती हैं करेक्ट आंसर इज आप थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर कॉकलिया ऑफ मेमिलियन एयर इज कंसर्नड विद तो कॉकलिया जो है वो हेयरिंग से कंसर्नड है जबकि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो बॉडी बैलेंस से आ, आ, जो है वो उसको मेंटेन करती हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव आल द बोन्स प्रोवाइड स्पोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी पार्ट्स विच बोन इज डिफरेंट इन इट्स फंक्शन तो गिवन ऑप्शन में जो मेलियस है ये मिडल ईयर ओसिकल है जबकि बाकी तीनों जो है वो आ, वर्टिब्रल कॉलम या हमारे स्केलेटन की जो है वो बोन्स हैं जबकि मेलियस जो है वो मिडल ईयर ओसिकल है

करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट द फ्लूड सराउंडिंग द मिम्बरेनस लेबरेंथ ऑफ ह्यूमज इज़ का्ड तो मेम्बरेनस लेबरेंथ के इर्द गिर्द जो फ्लूड होता है उसको नाम देती हैं पेरी लिफ का करेक्ट आंसर इज आपन वन क्वेश्चन नंबर सेवनटी नाइन काकलिया कंटेन तो काकलिया के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक स्केला वेस्टिब्यूली है स्केला टेम्पेनी और स्केला मीडिया हो गया स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टेम्पेनी इनके अंदर पेरीलिम्फ प्रेजेंट होता है जबकि स्केला मीडिया के अंदर जो है वो इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन थ्री आल दीस थ्री चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द काकलिया क्वेश्चन नंबर एटी by the stimulation of which structure of human ear the sound waves are perceived by brain तो organ of कर्डी के अंदर जो है वो sensory hair cells present होते हैं तो जब वो stimulated होते हैं तो उससे जो sound waves हैं वो brain तक पहुँच जाती हैं correct answer बनेगा option फोर Question number एटी वन विच ऑफ़ द फॉलविंग इज नाट एन ईयर ओसिकल तो गिवन ऑप्शन में जो ह्यूमरस है ये वर्टिब्रल कॉलम की बॉन है जबकि बाकी तीनों इंकस मेलियस और स्टेप्स जो है वो मिडल ईयर ओसिकल्स हैं क्वेश्चन नंबर एटी टू काक्लिया फ्रॉम फ्राम तो सेक्योलस एक चैम्बर है या एक स्पेस है जो कि मिडल एयर और इंटरनल एयर के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है जिससे जो है वो काकलिया अराइज होता है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन टू काकलिया अराइजेस फ्राम द सेक्योलस क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द अदर नेम ऑफ इंटरनल एयर इज़ तो इंटरनल एयर का जो अल्टरनेटिव नेम है वो मेब्रेनस लेबरेंथ है करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन टू और इसी मेब्रेनस लेब्रेंथ या इंटरनल एयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स और काकलिया प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर एक्सटर्नल अडिट्री मीटियस कंटेन द फॉलोइंग ग्लैंड तो एक्सटर्नल अडिट्री एक्सटर्नल अडिट्री मीटियस के अंदर जो है वो सीरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये सीरोमिनस ग्लैंड एक तरह के एपोक्राइन ग्लैंड या मोडिफाइड स्वेट ग्लैंडस हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ़ एयर तो स्ट्रक्चर ऑफ एयर के हवाले से जिसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन वन ईयर ओसिकल्स इंक्रीज द एफिशंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स कि मिडल एयर ओसिकल्स की वजह से जो साउंड वेव की ट्रांसमिशन एफिशेंसी है वो बढ़ जाती है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स ओटोलेथ आर ऑटोकोनिया आर कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स फाउंड इन तो ऑटोलेथ या ऑटोकोनिया एक तरह के कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि एयर डस्ट पार्टिकल्स जो कि इंडोलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर एटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवेल शेप्ड एयर ऑसिकल तो इसमें जो इंकस है ये इनवल शेप्ड ईयर ओसिकल है जबकि मेलियस जो है वो हैमर शेप्ड ऑसिकल है जबकि स्टेप्स जो है वो स्टीरअप शेप्ड ऑसिकल है क्वेश्चन नंबर एटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरअप शेप्ड ईयर ऑसिकल्स तो इसमें स्टेप्स जो है वो स्टीरअप शेप्ड ऑसिकल है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर एटी नाइन फिनिस्ट्रा ओवालिस इज द ओपनिंग ऑफ द फिनिस्ट्रा ओवालिस को अल्टरनेटिवली ओवल विंडो कहा जाता है और ये टेम्पेनिक कैविटी की ओपनिंग है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर 90. इन मैन द मसल्स विच मूव द पिन्ना आर तो मैनस के अंदर जो कि पिन्ना को मूव करने वाले मसल्स हैं उनको नाम दिया जाता है ओरिक्यूलरिस मसल्स का जो कि बाकी मैमल्स के अंदर तो वेल well डिवेलप्ड होते हैं लेकिन ह्यूमन्स uh, के अंदर वो वेस्टिजियल हैं जबकि एक्सेप्शनली चंद humans ऐसे भी होते हैं जिनमें जो और मसल्स हैं वो एक्टिव uh, होते हैं और वो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन एयर ओसिकल्स ऑफ मैन लाई इन द तो एयर ओसिकल्स जो है वो टेम्पेनिक कैविटी या मिडिल एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू मिडल एयर एंड इंटरनल एयर ऑफ मेमल्स आर इंक्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स तो टेम्पेनिक बुला आर एंड पेरियाटिक बोन विच इज़ मॉडिफाइड टेम्पोरल बोन दिस बोथ कंटेन्डल एयर एज वेल एज इंटरनल एयर तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री स्केला वेस्टिब्यूली कम्युनिकेट्स विद स्केला टेम्पेनी थ्रू नैरो कैनाल कार्ड एस तो स्केला वेस्टिब्यूली चैम्बर है काकलिया के अंदर जो कि स्केला टेम्पेनी के साथ कम्युनिकेट करता है हेलिकोट्रीमा केनाल्स के थ्रू करेक्ट आंसर इज आपन टू क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर बिटवीन द मेलियस एंड इंकस इज़ फाउंड तो मेलियस और इंकस के इन बिटवीन जो है वो साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको नाम देते हैं इनक्यूडो मेलियोलर साइनोवियल हिंज जॉइंट तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव एयर एंड आई एंड ईयर आर एग्ज़ाम्पल ऑफ तो आई और ईयर दोनों एग्जाम्पल हैं टेली रियलियो रिसेप्टर्स की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स टम्पेनिक कैविटी इज प्रेजेंट इन तो टेम्पेनिक कैविटी मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है और इस टेम्पेनिक कैविटी में जो है वो एयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होती हैं ये करेक्ट है ऑप्शन टू काकलिया इज इन्वॉल्व इन हैरिंग ऑप्शन टू इज़ आल्सो करेक्ट ऑप्शन थ्री अर्ट्रिकुलस एंड सेक्यूलस आर द चेंस विच ऑल्सो हेल्प इन बैलेंसिंग तो ऑप्शन थ्री भी करेक्ट है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू क्वेश्चन नंबर नाइंटी एट इन द टेम्पेनिक कैविटी देयर इज़ एन अपर्चर इन विच द स्टेप्स एज फिटेड इट इज तो टेम्पेनिक कैविटी के अंदर एक अपर्चर होती है जिसको नाम देते हैं फेनिस्ट्रा ओवालिस या ओवल विंडो का और इसके साथ जो है वो मिडल एयरोसिकल स्टेप्स जो है वो अटैच होती है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन काकलिया इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर तो काकलिया जो है वो मेनली हयरिंग में इन्वॉल्व है आनली करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन टू जबकि बैलेंस में जो है वो सिर्फ सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन्वॉल्व होती हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड द बोन विच इज़ इन कंटेक्ट विद द फेनिस्ट्रा ओवालिस इज तो फेनिस्ट्रा ओवालिस या ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड होती है स्टेप्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड वन एयर ओसिकल फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द मिडल ईयर आर तो मिडल ईयर के अंदर जो एयर ओसिकल्स हैं अगर उसकी इनर साइड से हम सिक्वेंस देखें तो सबसे पहले स्टैप्स आएगी उसके बाद इंकस और उसके बाद मेलियस तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू इंडोलिम्फ कंटेन वाइट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कार्ड एस तो इंडोलिम्फ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको नाम देते हैं ऑटोकोनिया और ऑटोलेथ का और इसी तरह ये दे आर आल्सो नॉन एज एयर डस्ट सो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 103 हंड्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मिडल ईयर तो मिडल ईयर के अंदर जो है वो मिडल ईयर ओसिकल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है मेलियस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर 104 टेंसर फोर टेम्पेनी एंड स्टेबीडियस मसल्स आर फाउंड इन तो टेंसर टेम्पेनी मसल्स एंड स्टेबीडियस मसल्स ये दोनों प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव दर्गन ऑफ कॉल्टी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्गन ऑफ कॉल्टी जो है वो बेसिलियर मेम्ब्रेन की मोडिफिकेशन है करेक्ट आंसर इज थ्री क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्स द फंक्शन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब इज तो यूस्टेशन ट्यूब जो है वो मेंटेन करती है प्रॉपर एयर प्रेशर इन द मिडल ईयर एज वेल एज इंटरनल ईयर for protecting them from the damage by loud sound the correct answer banega. option 4 maintenance of pressure is the main function of eustachian tube in middle ear as well as internal ear question number 107 the damage to the ear by sudden explosion or loud sound is prevented by the लाउड साउंड से जो है वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि हमारे एयर्स को प्रिवेंट करते हैं तो उसमें जो स्टेशन ट्यूब टेंसर टेम्पेनी मसल्स और स्टेपीडियस मसल्स तीनों इन्वॉल्व होते हैं तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल इन आर्डर टू प्रोटेक्ट द एयर फ्राम सडन डैमेज क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एट द स्ट्रक्चर इन द इंटरनल एयर विच रिशम्बल्स आ स्नेल शेल इज कॉल्ड तो इंटरनल एयर के अंदर वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि स्नेल स्नेल शेल से रिसेंबल्स करती है तो वो है कॉकलिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन द साउंड वाइब्रेशन आर फाइनली एग्जॉस्टेड इन तो साउंड वाइब्रेशन फाइनली जो है वो फेनिस्ट्रा रोटंडस में जाके एग्जॉस्ट होती हैं और फेनिस्ट्रा रोटंडस एक बोनी सेप्टम है जो कि मिडल ईयर और इनर इंटरनल ईयर के इन बिटवीन होती है और दोनों को कनेक्ट करती है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट रिलेटेड टू द बॉडी बैलेंस तो गिवन ऑप्शन में आर्गन ऑफ क्वालिटी जो है वो एक हेयरिंग आर्गन है ये बॉडी बैलेंस का काम नहीं करता क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड अलेवन स्केला मीडिया इज प्रेजेंट इन तो स्केला मीडिया जो है वो काकलियर कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है और इस स्केला मीडिया में और इसके अंदर जो है वो इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व एयर डस्ट इज़ नॉट सिचुएटिड इन द इंडोलिम्फ ऑफ तो एयर डस्ट जो है वो एम्प्यूला के इंडोलिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टीन बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग डायनामिक कंडीशन इज इनिशिएटेड बाई विच स्ट्रक्चर तो कोप्यूला जो है वो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि वेस्टिब्यूलर ऑपरेटर्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पार्टियल ओरियंटेशन तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन टू